करेंगे इस बीकर में, तो मेरे पास कलर पे नहीं जाना है, हमें इसकी टेक्सचर पे जाना है। टोटल लेयर बन गया, ग्रीस जैसी बन गई, कूलेंट जो है कम हो गया, थोड़ा डार्क हो रखी है। रेडिएटर जो है इसका मैंने बाहर निकाल लिया है, तो इसमें ज्यादा माउंटेन की कंपनी पैनासोनिक कंपनी की फैन लगी हुई है, कूलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ऐसे करके सीधा करते रहेंगे इसको। दूसरा हो से ये रहा, ठीक है। ड्रेन बोल्ट देख रहे हो ना, ये तो ओपन है, निकला है यहाँ पे 400 ml। फैन पूरा साफ हो गया, ये पूरा हो गया न्यू एंड फ्री लग रहा है, लग रहा है ब्रांड न्यू, पूरा साफ हो गया। देखो आर पर फिन्स भी दिख रहे हैं। कूलेंट थोड़ा सा गाढ़ा हो रखा है, बेटर इसका पूरा फ्लोरोसेंट कलर की कूलेंट है ये। बोल्ट है, इसको खोलना है, यहाँ से एयर निकालना है। यहाँ पे एयर ब्लीडिंग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इंजन ऑन है एंड यहाँ से कूलेंट जो है निकल के गिर रहा है नीचे। फैन ऑन हो गया है, ठीक है, एंड पूरी गर्म हवा आ रही है। या फैन है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये शायद पार्ट 3 वीडियो है, तो पार्ट 2 में आपने देखा था इसका थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर क्लीनिंग, एंड अभी आज थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है, कूलेंट चेंज। तो आज डालेंगे इसमें मोटर रिन्यूजल, तो आज जो है कूलेंट इस पर पुराना ड्रेन होगा एंड रेडिएटर साफ होगा इस पर, एंड टोटल फ्लश होगा पुराना कूलेंट एंड न्यू कैसे कूलेंट डालना है। रेडिएटर खोल के साफ करेंगे क्योंकि आगे में फिन्स थोड़े बेंड हो गए हैं इसके, तो रेडिएटर पूरा डिसेंबल करेंगे, पूरा ड्रेन करेंगे एंड लास्ट में फिर न्यू कूलेंट डालेंगे। तो पहले चलते रेडिएटर खोल लेते हैं। तो गाइज यहाँ चेकआउट करो, ये रहा इसका रेडिएटर एंड कंडेंसर। तो यहाँ पे इसके फिन्स जो आगे थोड़े बेंड हो गए हैं, ये देखो, ये चेकआउट करो, ये फिन्स बेंड हो गए हैं और इसी वजह से क्या है कि हवा पास नहीं होता है इस पर, तो कूलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बाइक में फर्दर क्योंकि आगे। तो ये रेडिएटर पूरा डिसेंबल करूँगा, पूरा खोलूँगा, जितने हॉर्स पाइप है सारे खोलने रेडिएटर के, जितना कूलेंट है इंजन के अंदर में सारा ड्रेन बोल्ट वगैरह खोल के पुराना कूलेंट निकालना है अपन को, और इसको साफ करना है ब्रश से, सर्फ से साफ करेंगे अच्छा से, पूरा डिस्टिल वाटर से इसको फ्लश करेंगे एंड फिर डालेंगे न्यू कूलेंट जो कि इनोजल एक्सपर्ट मॉडल की तरफ से। तो चलिए अभी खोलते हैं इसका रेडिएटर, पहले पुराना कूलेंट ड्रेन करते हैं फटाफट से। एंड गाइज अभी ऐसा है कि इसका कूलेंट जब ड्रेन करेंगे तो वो ड्रेन करेंगे इस बीकर में, तो मेरे पास ये 1 लीटर का बीकर है, तो पुराना जितना कूलेंट ड्रेन करेंगे वो बीकर में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसमें कितना कूलेंट लगता है, 1 लीटर लगता है कि 1 लीटर 200 300 400 500 ml पता नहीं कितना लगता है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले को पूछते हैं कितना कूलेंट लगता है तो वो लोग बताते नहीं प्रॉपरली, वो बोलते हैं कोई 1 लीटर, कोई बोलते हैं कि 1.5 लीटर, उन खुद को पता नहीं होता। तो अभी क्या करना है अपने खुद को पता करने के लिए कि ये बीकर में आप ड्रेन करेंगे कूलेंट, तो अगर 1 लीटर निकलता है तो 1 लीटर डालेंगे, अगर ज़्यादा निकलता है तो फिर कूलेंट एक और बोतल जो है वो परचेस करके लाना पड़ेगा शॉप से, KTM के सर्विस सेंटर में मिलती है ये वाली कूलेंट, तो यहाँ से परचेस कर लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये कंटेनर में जो कूलेंट है इसको छोड़ देते हैं पहले, ये लास्ट में क्लीन करेंगे, पहले ड्रेन करते हैं इसका रेडिएटर का एंड पूरा जो इंजन में जितना कूलेंट है इसको पहले ड्रेन करते हैं, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे चेकआउट कर लो, इसका ड्रेन बोल्ट है, ठीक है, ये देखो ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक में 8 mm का एक नट बोल्ट है, इसको खोलेंगे तो सारा कूलेंट जो है वो ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद खोलेंगे जितने होस पाइप से ये सारे जा रहे जो रेडिएटर में जा रहे हैं होस पाइप, ये खोलेंगे और ये खोलने के बाद में फिर डालेंगे इसमें डिस्टिल वाटर एंड सारा ड्रेन करते हैं इसे। तो यहाँ गाइस चेक करो, वैसे कूलेंट का कैप मैंने खोला तो अंदर कूलेंट जो है वो मतलब ग्रीन ही है, कलर पे नहीं जाना है हमें, इसकी टेक्सचर पे जाना है। ये देखो ये पूरा मिट स्लज बन गया, ये देखो ये उंगली देख रहे हो ना, ये देखो ये मोटा मोटा लेयर बन गया, ग्रीस जैसी बन गई है, तो यही रीज़न है कूलेंट को चेंज करने का। ये देखो अंदर पे इंजन पे ना ये सारा जम जाता है, ये देखो मेरे हाथ में आपको देख रहा होगा ये स्लज, ये देखो ये ग्रीसी बन गई है टेक्सचर, यही रीज़न होता है कि इसको चेंज करने का, क्योंकि ये जो कूलेंट कंपनी देती है क्योंकि इसमें वाटर ऐड रहता है, तो ये देखो ये हो जाता थिक बहुत ज़्यादा एंड ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो यही रीज़न है इसको ड्रेन करने का। ये देखो ये पूरा ऑयल टाइप का बन गया है, तो अब जो है इससे यहाँ से ड्रेन करते हैं, ड्रेन बोल्ट खोलते हैं। तो यहाँ चेकआउट कर लो भाई, यहाँ कूलेंट निकला है इसका एंड ये मैंने इसका नट खोल दिया एंड सारा कूलेंट गिरा है यहाँ पे निकल के, एंड यहाँ से जो है कूलेंट जो है कम हो गया है, तो थोड़ा सा बाइक जो है मुझे थोड़ी सी हिलानी पड़ेगी, तो अंदर सारा कूलेंट रहता है इसका बॉक्स पे, तो यहाँ कूलेंट कितना निकला है मुझे पता नहीं, बहुत गाढ़ा कूलेंट, देखो कलर पूरी सी थोड़ी डार्क हो रखी है एंड यहाँ निकला है शायद 300 ml निकला है और अभी भी अंदर से निकलते जा रहा है, देखो चेकआउट कर लो, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते ड्रेन होने के लिए, सारा निकल जाए एंड तब तक ये सब जितने होस है ना यहाँ पे लगाओ, ये देखो ये होस है, ये ओपन करते हैं, ये 8 mm का रेंच है, इसको लूज़ करते हैं
एंड ये होस ओपन करते हैं। सो फाइनली गाइस रिकॉर्ड कर लो, यहाँ रेडिएटर जो है इसका मैंने बाहर निकाल लिया है, तो इसमें ज़्यादा माउंटिंग्स नहीं है, खाली 3 माउंटिंग आप देख लो ऊपर में, एक ऊपर दो है और एक नीचे है, मतलब कि ये आपको दिखा देता हूँ, माउंटिंग 1, माउंटिंग 2, माउंटिंग 3, तीनों में 10 mm के बोल्ट, ये देखो ये जो बोल्ट है ना 10 mm के यही लगते हैं, खाली तीनों बोल्ट खोलने से ये रेडिएटर जो है ये आ जाएगा बाहर। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल की बात नहीं, आप अपने खुद कर सकते हो घर पर, खाली मेरी वीडियो देख लेना सब हो जाएगा। तो यहाँ इसका फ़ैन लगा हुआ, तो फ़ैन की कंपनी पैनासोनिक कंपनी की फ़ैन लगी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड फ़ैन जो है थोड़ा सा गंदा हो रखा है, आपको फिर से चेकआउट करा देते हैं। वैसे ज़्यादा वेट नहीं है रेडिएटर का, तो छोटा सा ही है, मतलब कि ज़्यादा वेट नहीं, कम से कम 800 ग्राम का कम से कम होगा, 700 से 800 ग्राम या 1 kg के आस 1 kg के आसपास वेट है इसका। तो ये इसका फ़ैन रहा, पैनासोनिक का फ़ैन भी गंदा हो रखा है, तो इसको खोल के वॉश करेंगे। तो यहाँ आप नीचे देख लो रेडिएटर का पूरा गंदा हो रखा है, इसको अच्छे से वॉश करेंगे सर्फ से, ब्रश से। एंड ये जो फिन्स देख रहे हो सामने, पूरे फिन्स बेंड है, तो यहाँ से हवा जो आर पार भी नहीं होगी, तो कूलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से छोटा टेस्टर लेना है आपको, तो टेस्टर की मदद से ऐसे करके सीधा करते रहेंगे इसको। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसका फ़ैन खोल लेता हूँ और रेडिएटर को जो अच्छा से पहले क्लीन करते हैं सर्फ से एंड डिस्टिल वाटर के। मेरे पास में 1 गैलन है पूरा, कभी परचेज़ किया था बहुत पहले, रखा हुआ था 5 लीटर का, तो उसमें करीब अभी 3 लीटर बचा होगा। तो डिस्टिल वाटर क्या करेंगे, अभी जितने होस खोले यहाँ से, ये देखो ये होस जो इंजन में डाल जा रहा है, ठीक है, दूसरा होस एक ये रहा, ठीक है, दोनों होस में यहाँ से डालेंगे डिस्टिल वाटर और पूरा इंजन के अंदर फ्लश करेंगे। और यहाँ जो ड्रेन बोल्ट देख रहे हो ना, ये तो ओपन है, तो यहाँ से जितना गंदा जो कूलेंट अंदर का स्लज है वो सारा जो है निकल जाएगा, गिर जाएगा। तो कूलेंट कितना निकला है देखते हैं, ये देखो कूलेंट निकला है यहाँ पे 400 ml, ठीक है, 400 नहीं ज़्यादा होगा, चलो मैं 500 मानता हूँ, आधा लीटर, क्योंकि बहुत सारा नीचे गिर गया कूलेंट, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा खोलने में नीचे गिर गया, तो 500 से 600 ml कूलेंट जो है निकला है रेडिएटर से, और बाकी निकलेगा इसके बॉक्स से। तो इसके बॉक्स को जो कंटेनर है, जो रिजर्वायर बोलते हैं इसे, तो इसको लास्ट में करेंगे, पहले ये ला जो काम है निपटा लेते हैं, फिर लास्ट में करेंगे रिजर्वायर। तो पहले जो है इसके रेडिएटर को क्लीन कर लेते हैं। गाइज आपके घर पे तो ये होता ही होगा, क्या बोलते हैं, विम लिक्विड होता होगा, डिश वॉशर, तो कुछ इस तरह का डिश वॉशर एक बाटी में ले आओ, ठीक है, थोड़ा सा, एंड इसमें मिला लो थोड़ा सा पानी। तो भाई यहाँ मिलाते हैं थोड़ा सा पानी इसको, इसको करते हैं थोड़ा पतला, तो इतना सा पानी ठीक रहेगा। एंड कुछ इस तरह का ब्रश एंगल वाला रख लो, इसको थोड़ा सा मिला लो, ठीक है, एंड इसको बना लो पूरा घोल लिक्विड का, ताकि साफ़ करने के लिए काम आए, ये सबसे बेस्ट होता है साफ़ करने के लिए। जितनी आपकी मिट्टी रहती है ना रेडिएटर में लगा हुआ कहीं भी, ये सारा स्लज वगैरह जमा रहता है वो सारा निकाल देगा। तो ये बन गया घोल इसका, तो इसको करते हैं साइड अभी। एंड अभी रेडिएटर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये फ़ैन भी है, फ़ैन जो होता है वाटरप्रूफ होता है, इससे कोई टेंशन नहीं पानी जाने का। तो अभी पानी खोल के क्या है कि यहाँ पे थोड़ा पानी मार लें रेडिएटर पे, डस्ट जो है ऊपर पर निकाल लें पहले, एंड इसका जो होल है यहाँ डाल लें पानी, एंड इसको रिंस कर लें, ये अंदर का जितना गंदा है वो निकल जाए बाहर, ठीक है। तो इसको साफ़ करने के बाद अब इसमें चलाएंगे ब्रश, यहाँ चेकआउट करोगे तो यहाँ फ़ैन पूरा साफ़ हो गया, ये पूरा हो गया न्यू एंड फ्री लग रहा है, ये देखो ये पूरा ब्रांड न्यू लग रहा है फ़ैन, सारा गंदा बारिश का डस्ट निकल गया। एंड यहाँ चेकआउट करो भाई, इसका रेडिएटर पूरा न्यू लग रहा है, ब्रांड न्यू पूरा साफ़ हो गया, देखो आर पर फिन्स भी दिख रहे हैं, कहीं भी मिट्टी जमा डिपोजिट हुआ था यहाँ पे, बारिश का जो मिट्टी था वो सारा निकल गया, एंड ये पूरा क्लीन हो गया। एंड अभी क्या करेंगे, जा करके बाइक के पास में वो डिस्टिल वाटर डाल के पूरा साफ़ करेंगे होस पाइप सारा, रेडिएटर का जो काम है क्लीनिंग हो गया, यहाँ पे थोड़ा छोड़ देते हैं सूखने के लिए। यहाँ मेरे बेड में थोड़ा बाइक के पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, रखा हुआ है जो खोला हुआ था, तो इसे यहाँ छोड़ करके चलते हैं थोड़ा सा बाइक के पास एंड करते हैं बाकी जो काम बचा हुआ है।
तो यहाँ भी डिस्टिल वाटर जो है ये डालते हैं ये होस पे, ठीक है, ये जो होस जो इंजन पे जा रहा है, ठीक है, थर्मोस्टेट के पास, ये दो होस है, एक इनलेट आउटलेट, दोनों पे डालते हैं डिस्टिल वाटर। और मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि मैं यहाँ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी मेहनत हो रही, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ट्रिपॉड लगा के स्टैंड थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ जो है फाइनली मैंने जो है पूरा ड्रेन कर दिया, फ्लश कर दिया पूरे पाइपों को अच्छा से डिस्टिल वाटर डाल करके, ये पूरा साफ हो गया। अब देख लो अंदर का जितना गंदा पुराना जो ये स्लज वाला कूलेंट था वो सारा निकाल दिया मैंने ये डिस्टिल वाटर डाल करके, तो सारा क्लीन हो गया, सारा निकल गया। एंड अब जो है रेडिएटर को फिटिंग करेंगे, थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई कर लेते हैं एंड फिर फिट करते हैं रेडिएटर को एंड फिर डालते हैं न्यू वाली कूलेंट। एक्चुअली गाइस इसका कूलेंट ड्रेन करने का दो एरिया है, एक यहाँ पे ब्लॉक पे रहता है, ठीक है, और एक रहता है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन रहता है ड्रेन करने का, ये रहा एलएनकी वाला, ठीक है। तो ये जो है एलएनकी खुला नहीं मेरे से, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब कि मुझे डर लग रहा है खोलते होते कहीं ये सब टूट ना जाए तो भाई रिले देना पड़ जाएगा, तो यही चक्कर मैंने ये खोला नहीं। इसका जो एलएनकी यहाँ लगाया था इसका फेस भी जो स्लिप हो गया तो ये खुला नहीं, पता नहीं क्या रीज़न से ये पूरा टाइट हो गया, पूरा फंसा हुआ है, तो मैंने बहुत जोर लगाया तो मैंने छोड़ दिया, से मैंने कि बेकार टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये नहीं खोला, तो बाकी यहीं से ड्रेन कर लिया। एंड सारा यहाँ देखो क्लीन हो गया पूरा, थोड़ा सा पानी मार के मैंने सर्फ से पूरा साफ़ भी कर दिया था पूरा एरिया जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था पहले से। एंड अपना रेडिएटर लगाते हैं फिर उसके बाद खोलते हैं कंटेनर। रेडिएटर यहाँ कंप्लीट फिट हो गई है एंड सारा बोल्ट्स लग गए, सारे पाइपिंग हाउसिंग सब लग गई है। अब खोलते हैं इसका कंटेनर जो कि खुलेगा, 10 mm के बोल्ट लगा हुआ है तो 10 mm के रैचेट ट्रेंच मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो कंटेनर निकाल लेते हैं पहले, तो ये रहा कंटेनर रहा, तो इसके भी कूलेंट डाल लेते हैं बॉक्स पे। तो ये देखो इसका भी कूलेंट थोड़ा सा गाढ़ा हो रखा है एंड बॉक्स तो क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बॉक्स तो गंदी है पूरी कंटेनर, तो मिला जुला के कूलेंट मुझे लगता है कि 700 से 800 ml कूलेंट निकलेगी एंड 1 liter सफिशियंट है जो मैं कूलेंट लेके आया हूँ। तो इसको ड्रेन करके साफ करके फिर मिलते हैं आपसे। तो चेकआउट करो यहाँ कंटेनर भी एज न्यू हो गया है, ब्रांड न्यू लग रहा है पूरा, तो पूरा साफ़ किया इसको अच्छा से डिश वॉशर से एंड वो एंगल वाले ब्रश से रगड़ा इसे अच्छे से, सारा मिट्टी अंदर का स्लज जो है सारा निकल गया एंड जैसे इसे निकाला था बस वैसे ही इसके बोल्ट से इसको लगा देना है। तो यहाँ सब चीज़ रेडी हो गई है, रेडिएटर एंड नीचे का कंटेनर, रिजर्वायर, सारा पाइपिंग हो गया, ओरिजिनल फिटिंग कर दी है। एंड अब खोलते हैं इसका एंटी फ्रीज कूलेंट एंड इसको करते हैं अनरैप, इसका सील तोड़ते हैं यार पहले, देखते हैं ये भी ग्रीन ही कूलेंट पूरी एंड मॉडल ओरिजिनल कूलेंट। अब डालते हैं इसको कंटेनर, खोलते हैं इसका पहले ऊपर का ये सेफ्टी वेल्व, जला जाए इसका कलर तो बहुत बेटर है इसका, पूरा फ्लोरोसेंट कलर की कूलेंट है ये एंड आप चेकआउट कर लो कितना जाता है इसके अंदर वो भी चेक कर लेंगे, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का जैसे 300V इंजन ऑयल थी ना जस्ट सेम वही कलर का है। तो अंदर अभी एयर बबल्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा और भरते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका इंजन क्योंकि इंजन स्टार्ट करने के बाद ही ये पूरा सर्कुलेट होता है एंड कूलेंट की लेवल जो है वो अप आती है। तो हमेशा याद रखिए कूलेंट जब चेंज करते हैं तो इसका आपको इंजन ऑन करना पड़ेगा, तो मेरे को इंजन ऑन करने के लिए लगाना पड़ेगा इसका टैंक, तो यहाँ रखा हुआ इसका टैंक, तो अभी टैंक लगा के इसका फ्यूल लाइन सब लगा के इंजन स्टार्ट करते हैं एंड कूलेंट एक बार सर्कुलेट होगा इंजन पे उसके बाद इसकी लेवल आएगी। सो गाइज अभी ऐसा है कि इंजेक्टर क्लीनिंग के बाद अभी मेरा पहला स्टार्ट है, एक बार मैंने बाइक स्टार्ट नहीं की है तो भगवान भरोसे मैंने इंजेक्टर तो साफ तो कर दिया, पता नहीं तो टैंक वगैरह लगा दिया एंड फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट करेंगे इसको क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो सेल्फ मारते हैं, तो भाई ये स्टार्ट हो गई है भगवान के भरोसे एंड स्कॉर्पियम भी थोड़ा सा रेज्ड हो गया है, 2 के जस्ट पीछे है क्योंकि थ्रॉटल बॉडी वगैरह साफ हुई है ना,
इसलिए ये थोड़ा सा रेस है। तो अब चेक करते हैं इसका कूलेंट जो कि पूरा नीचे चल गया होगा क्योंकि इंजन पूरा सक करता है ना, एयर वगैरह निकलता है। तो ये देखो कूलेंट जो है पूरा कम हो गया है एंड थोड़ा सा चलने देते हैं इसको ट्यूनिंग पे क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह नया डला है, थोड़ा सा ऑयल चढ़ने देते हैं ऊपर। तो गाइज अभी क्या है कि इंजन स्टार्ट किया तो एंड ये इसका थर्मोस्टेट वगैरह गर्म हुआ, फैन ऑन हुआ, उसके बाद जाके अंदर जितना एयर होता है ना एयर लॉक हो जाता है। अगर आप R15 वर्जन थी कि रेटर अगर घर पे खोलते हो या कहीं बाहर खोलते हो मिस्त्री के पास, तो याद रखना कि इसका कूलिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट है वर्जन 2 वर्जन 1 से, क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट वाल्व वगैरह लगा हुआ है क्योंकि वो अपने हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से वाल्व खुलता है। तो यहाँ पे एयर लॉक हो जाता है अगर सारा होस खोलेंगे तो। तो अभी मेरे साथ वही हुआ था कि ये सारा एयर लॉक हो गया था एंड वाटर पंप काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो वाटर पंप आप देख रहे हो ना, वाटर पंप के जो ऊपर वाले बोल्ट, ये जो बोल्ट है इसको खोलना है, यहाँ से एयर निकालना है, थोड़ा सा बाइक स्टार्ट करके यहाँ से कूलेंट गिरने दें, उसके बाद जा जो सारा एयर है वो निकल जाता है एंड उसके बाद आपका जो है कूलेंट फंक्शन काम करने लग जाता है। एंड अभी आपको चेक करा देते हैं ऑन करके कि मेरा वाटर पंप काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है एयर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे पानी का जो सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी जितना मेरा एयर जो फंसा हुआ था अंदर में एयर वो सारा बाहर निकल गया। तो गैस यहाँ पे एयर ब्लीडिंग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इंजन ऑन है एंड यहाँ से जो है एयर ब्लीडिंग हो रही है, देख सकते हो यहाँ से कूलेंट जो है निकल के गिर रहा है। नीचे मैंने कंटेनर रखा हुआ है एंड आपको इंजन ऑन करके एयर ब्लीडिंग तब तक करनी है जब तक इसका फैन ऑन नहीं होता, इंजन पूरी ओवर हीट हो जाएगी, फैन ऑन हो जाएगा, उसके बाद जाके अपने टेम्परेचर सेट होती है, उसके बाद कूलेंट के जो एयर है ना आपको सकता है सब पाइप दबा दबा करके यहाँ से आपको एयर निकालना पड़ेगा। एंड क्योंकि इसमें एक ऐसा सिस्टम है इसमें एयर लॉक हो जाती है तो एयर लॉक को आपको निकालना है, अदरवाइज़ आपके इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगी हीटिंग की। तो ऐसे इंजन स्टार्ट करके आपको एयर निकालना है, एयर बबल्स यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ एयर बबल मेरा पूरा कंप्लीट निकल गया है, तो यही प्रोसेस से आपको करना है। तो भाई यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ इसका फ़ैन ऑन हो गया है, ठीक है, एंड पूरी गर्म हवा आ रही है। यहाँ फ़ैन ऑन हो गया मतलब कि इसका टेम्परेचर पूरा कंट्रोल्ड है एंड एयर जो है पूरी निकल गई अंदर से। देखो अब यहाँ कूलेंट पूरा अंदर चले गया, ठीक है, तो यहाँ पे कूलेंट अभी हमें भरना होगा। तो ये प्रॉपर ब्लीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड वीडियो का पार्ट 3 यहाँ पे होता है कंप्लीट।